क्यों अच्छे परिन भाई? 15 लाख का नुकसान करके आई है आपकी होने वाली बहू। जो हीरा आज ग्राहक को देना था उसे वसूली वालों को दे दिया। चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्यों किया तूने ऐसा? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अब मैं आपको सब बता दूंगी काका, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। ओह, अभी रिक्वेस्ट करने की हिम्मत है तुझमें? आप अगर मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे तो ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, वरना मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने वो हीरा मारवाड़ी सेठ को क्यों दिया और अब हमें हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। क्या रिक्वेस्ट है तेरी? बोल। आप सब प्लीज नाश्ता कर लीजिए ना। पागल थी गए तू? ये क्या तरीका है नाश्ता खिलाने का? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी, आप कुछ समझाते क्यों नहीं अपनी होने वाली बहू को? बीच में बोलने से तो इसने मुझे 8 साल पहले ही मना कर दिया था। और वैसे भी आप सबके रूठने मनाने के बीच में मैं भीष्म पितामह बन गई हूँ। कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा कि इसकी साइड ले रही हूँ, इसलिए मैं चुपी ठीक हूँ। तू नहीं बताएगी ना तो मत बता। 15 लाख का हीरा गया है, जानना तो पड़ेगा ना कि वापस कैसे मिलेगा। वो इजी थे काकी, मैं बता दूंगी, पर काका पहले प्लीज नाश्ता कर लीजिए। चलो अब बैठो, सब लोग बैठो, नाश्ता करो। जैती बैठो। धंधे की बात, 15 लाख का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? अब बता। पर कोई खा नहीं रहा है। आपकी अम्मा हुआ तो दुआ मैं। आओ सब चलो। अब बताएगी? हाँ, तो हीरा था 15 लाख का। अगर आप में से किसी ने भी खाने पे से हाथ रोका तो मेरी भी जबान रुक जाएगी। अब बताएगी? काका, मैंने वो हीरा हमेशा के लिए नहीं दिया है, बस मारवाड़ी सेठ के पास गिरवी रखवाया है। दिनेश काका ने उनसे 15 लाख रुपए का लोन लिया था, तिनी गारंटी ना रूपमा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो कल दिनेश काका की बेटी की शादी में मोटा बखेड़ा खड़ा कर देते, फिर दिनेश काका की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाती। हीरा वापस कैसे मिलेगा ये बताना, ये सब कहानी बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि मासू को ये सब नहीं पता, इसीलिए।